ना तो कभी एक शक्ति किसी जीव में कम है और न ही किसी में एक शक्ति ज्यादा है। भव हो या अभव हो, निगोदिया हो या मनुष्य हो, देव हो अथवा नारकी हो, मनुष्य हो अथवा त्रियंश हो, प्रकृति ने सभी आत्माओं को एक समान शक्तियों का भंडार दिया है। लेकिन विचित्रता ये है कि व्यक्ति के पास धन है लेकिन वो धनी नहीं है। कभी आपने देखा होगा, धन होकर के भी वो धनी नहीं है, क्योंकि एक शराब की बोतल पी रखी है तो नाली में पड़े हैं। बड़ा आदमी है, राजकुमार है, बहुत बड़े सेठ का बेटा है, धन है लेकिन उसे धनी होने की अनुभूति नहीं है। इसी प्रकार अपन लोग, ज्ञान है अपने पास लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि हमें मोह महामद मिथ्यात रूपी नशा ऐसा चढ़ गया कि हम ज्ञानवान होकर के भी ज्ञानी की टाइटल में नहीं आ रहे। ज्ञानी हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञानी होना है। धन नहीं चाहिए, धनी होना है। कई लोग ऐसे वात्सल्य होते हैं, धन नहीं होकर अपने आप को कोई कम महसूस नहीं करते। वो धनी होना आज की घटना, भगवान अभी तक ज्ञानवान थे पर ज्ञानी नहीं थे, आज वो ज्ञानी हो गए। ज्ञान था लेकिन ज्ञान चेतना नहीं थी। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी श्री पंचास्थिकाय में कहते हैं, हे भवजीव, तेरे पास ज्ञान है, कितना दुर्भाग्य है कि ज्ञान है लेकिन ज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञान है और ज्ञान चेतना नहीं है, धन है और धनी का अनुभव नहीं है, गुण हैं लेकिन गुणी नहीं है। गुण तो अपने पास हैं, ना कोई मुझे गुणी कह रहा है और गुणी पने का मुझे अनुभव भी नहीं आ रहा है। गुण है और गुणी ना हो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। पुद्गल में गुण नहीं है, ज्ञाता दृष्टा तो उसका दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य तो जीव है कि गुण होकर के भी वो गुणी नहीं बन पा रहा, गुणी की संज्ञा नहीं पा पा रहा। ज्ञान है और ज्ञान चेतना नहीं। गजब का प्रसंग पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने दिया। जब पंचास्थिकाय पूज्यवर पढ़ा रहे थे, जब ये प्रसंग आया, आश्चर्य विस्मय हो गया। ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ज्ञान चेतना होना चाहिए, लेकिन कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारा भ्रम है। ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान चेतना होना अलग चीज, केवल ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान चेतना होना अलग चीज है। मिथ्या ज्ञान की तो छोड़ो, सम्यक ज्ञान हो गया तो मत समझना। अभी दो दिन पहले मैंने कहा था ना, ज्ञान का महत्व नहीं है, सम्यक ज्ञान का महत्व है। आज कह रहा हूं, सम्यक ज्ञान का महत्व नहीं है, ज्ञान चेतना का महत्व है। सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। सम्यक ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्यक ज्ञान तो त्रियंशों को भी हो जाता है। सम्यक ज्ञान तो कुत्ता बिल्लियों को भी हो जाता है। सम्यक ज्ञान तो सांप छछूंदरों को भी हो जाता है। सम्यक ज्ञान तो नारकी भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली सूकर आदि ये भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं शास्त्रों के अनुसार।
क्योंकि जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में है। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी प्राप्त कर लेगा। एक नारकी सम्यक दृष्टि हो जाता है, एक कुत्ते बिल्ली सम्यक दृष्टि हो जाती है, ये छिपकुलियाँ सम्यक दृष्टि हो जाती है, छोटे छोटे पशु पक्षी सांप सांप नहीं बिच्छू सांप हो सकता है, संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। समुद्र में रहने वाली मछलियां सम्यक दृष्टि हो जाती है, सब हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान का अब आज उतना महत्व नहीं है। आज के प्रसंग में गुनगुन भगवान कहते हैं ज्ञान चेतना, मुनिराज बन गए, शुद्ध केवली हो गए। तो शुद्ध केवली का ज्ञान हुआ है, अभी उनको भी ज्ञान चेतना नहीं हुई। आज का दिन गजब का है, आज कल के दिन से भी बहुत ऊपर का दिन है। सर्वज्ञ हो गए थे भगवान, केवल ज्ञानी हो गए थे भगवान, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया था भगवान को, कुंदकुन स्वामी ने नकार दिया। केवल ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान चेतना होना अलग। अब केवल ज्ञान से बड़ा और कौन सा ज्ञान है? हो गया ज्ञान, केवल ज्ञान सबको जान रहे हैं, लेकिन अभी वो ज्ञान चेतना को प्राप्त नहीं हुए। वो ज्ञान चेतना जो ज्ञान के द्वारा अनुभव में आती है, सामान्य लोगों को ज्ञान और ज्ञान चेतना में कोई अंतर नजर नहीं, इसलिए वो चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना मान लेते हैं। बोले सब में ज्ञान हो गया तो ज्ञान चेतना हो गई, नहीं, ज्ञान अलग चीज है और ज्ञानी अलग चीज है। खट्टा अलग चीज है और खटाई, निब्बू खट्टा हो सकता है, खटाई कब होगी? जब वो अचार बनेगा, जब उसमें संस्कार दिया जाएगा। निब्बू को खटाई कोई नहीं कहता, ये खटाई लगी है, ऐसा नहीं बोलते, निब्बू खट्टा है। खटाई कब बोलते हैं? जब वो अचार बन जाता है। खट्टे में जब आचरण आ जाता है तब वो अचार बन जाता है, आचरण बन जाता है। खट्टा होना अलग चीज है और खटाई बनना अलग। मीठा होना अलग चीज है और मिठाई होना अलग चीज है। मीठा और मिठाई में कितना अंतर है? मीठा शुभ नहीं होता, शगुन नहीं होता, खुशी में कोई मीठा नहीं बांटता, खुशी में लोग मिठाई बांटते हैं। शक्कर मीठा मीठी है लेकिन शक्कर मिठाई, शक्कर मीठी है लेकिन मिठाई नहीं। मिठाई तो कुछ अलग ही है, जो बनाने वाला मिठाई उसी मिठाई मीठा से जब वो कढ़ाई में डालकर संस्कार देता है, संस्कारित करता है, तो जो बन के आता है वो मिठाई, मिठाई सगुन है, मिठाई शुभ है, मिठाई खुशियों का अजहार है। मीठा नहीं, मीठा तो गुण है, मिठाई गुण नहीं है, मीठा गुण है। मीठा गुण है यानी मीठा गुणवान होना अलग चीज है, और क्या दुर्भाग्य है मीठा है लेकिन मिठाई नहीं है। मैं उदाहरण इतने सरल देता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में, विषय बहुत कठिन था, ज्ञान और ज्ञान चेतना अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आवे, पर उदाहरण इतना बढ़िया दे गया कि बच्चों को क्या, इन महिलाओं के कल चुटैया में होती इनको भी समझ में आ जाए। बोलो मीठा में और मिठाई में अंतर है कि नहीं है? त्योहार पर मीठा बनता है कि मिठाई बनती है? खुशी में मीठा बढ़ता है कि मिठाई बढ़ती है? वो शगुन है, शुभ है,
आनंद का प्रतीक है। कीमत तो मिठाई की है, मीठा की कीमत नहीं है। मीठा बहुत सस्ता है लेकिन मिठाई की कोई कीमत नहीं। सारी दुनिया में चले जाओ, मीठा का रेट एक होगा। पूरे टीकमगढ़ में किसी भी दुकान से ले लेना, मीठा एक ही भाव मिलता है, शक्कर का रेट। लेकिन मिठाइयों के रेट, मिठाइयों के रेट देखो, कोई सीमा नहीं कितने रेट हो जाए। 100 मिठाइयां दुकान पर रखी हैं तो 100 प्रकार के रेट है। मीठा का कोई रेट नहीं, एक निश्चित रेट कर दिया सरकार ने, हो गया। और मिठाई का रेट कितने हो सकते हैं? वो है संस्कार, वो है तपस्या। मीठा तपस्या से नहीं बनता, मीठा तो स्वाभाविक रूप से आता है, गन्ने में है। लेकिन मिठाई स्वभाव से नहीं बनती, मिठाई बनाई जाती है, संस्कार दिया जाता है उसमें, कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे उसके लिए तुम मनमाने रेट ले लो, जो रेट चाहिए है वो रेट मिल जाएगा। मिठाई की कीमत होती है, खट्टे की नहीं खटाई की कीमत होती है, ज्ञान की नहीं ज्ञानी की कीमत होती है। ज्ञान नहीं पूजा जाता, ज्ञानी पूजा जाता है। धर्म नहीं पूजा जाता, धर्मी पूजा जाता है। धर्म की रक्षा नहीं की जाती, धर्मी की रक्षा की जाती है। धर्मी होना तपस्या है, धर्मी होना तपस्या है। न धर्मो धर्मी कई बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं। धर्मी की रक्षा करो, धर्मी सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित रहेगा। निश्चय धर्म है लेकिन उसकी सुरक्षा धर्मी व्यवहार है। धर्मी व्यवहार है, धर्म और धर्मी का जब भी संबंध आए समझ लेना कि संबंध निश्चय में नहीं होते, संबंध व्यवहार में होते। धर्म निश्चय रूप होता है, वो धर्मी को महत्व नहीं देता, वो धर्म है। और व्यवहार कहता है कि धर्मी को महत्व दो, धर्मी को महत्व दो। अब हम धर्म की रक्षा करें या धर्मी की रक्षा करें? सरल उदाहरण देता हूं, आपके मटके में घी भरा है, घी निश्चय है, घी धर्म है। मटका उसको धारण किया वो धर्मी है, जिसकी कीमत मिट्टी के बराबर है, कुछ भी नहीं। कीमत छोटी है, मिट्टी का बना है। आप जा रहे हैं, आपका पैर स्लिप हुआ, किसकी सुरक्षा करूं, घी की या घी के घड़े की? पकड़ो किसको? नहीं नहीं, घी को पकड़ो, घी को, घी को, क्योंकि खाने में तो घी आएगा, ताकत तो घी से है, स्वाद तो घी में है, इसलिए जब गिरने लग जाओ तो घी को पकड़ा करो, अंदर हाथ डाल के। हाथ में क्या आएगा? सब घी बिखर जाएगा। यही तो मूर्खता कर रहे हैं लोग, यही तो चूक कर रहे हैं लोग, यही तो रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं लोग। घी को पक्का है, घी ही आनंद है, घी ही स्वाद है, घी ही ताकत है, निश्चय ही परमानंद है, निश्चय ही मेरा स्वरूप है, निश्चय में ही आनंद है। लेकिन उस निश्चय की सुरक्षा करने के लिए हमें घड़े की सुरक्षा करना है। घड़े को पकड़ो, और घड़ा सुरक्षित रहेगा तो घी अपने आप सुरक्षित हो जाए। हम अनादिकाल से निश्चय में नहीं भटके हैं, व्यवहार में भटके हैं। निश्चय तो शाद रूप है,
व्यवहार साधन रूप है, निश्चय तो मंजिल है, व्यवहार रास्ता है। घर में कोई भटकता नहीं है, भटकते व्यक्ति रास्ते में है। अनादिकाल से हमने सम्यक व्यवहार नहीं किया, अनादिकाल से धर्म तो हमारे सामने था, हम धर्मी नहीं बने। धर्म तो था, भगवान ने उपदेश दिया था धर्म का, कमी कहाँ रह गई? बोलो, भगवान ने धर्म का उपदेश दिया था कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया कि नहीं? दिया। हमने सुना कि नहीं? लेकिन हमें कमी क्या रह गई? धर्म तो हमें मिला लेकिन हम धर्मी नहीं बन पाए, धर्मी नहीं बन पाए। धर्म शाश्वत है, अविनाशी है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा, लेकिन हम धर्मी नहीं बन पाए। धन तो दुनिया में है लेकिन धनी नहीं बन पाए। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। हमें धर्मी बनना है और धर्मी निश्चय नहीं बनाएगा। धर्म और धर्मी भाव व्यवहार में होता है, निश्चय में धर्म धर्मी भाव होता ही नहीं, पर्याय पर्यायी भाव होता ही नहीं, आराध्य आराधक भाव होते ही नहीं, साध साधन भाव होते ही नहीं, गुण गुणी भाव होते ही नहीं, निश्चय में होते नहीं। सब व्यवहार है। पूज्यवर समंतभद्र स्वामी कहते हैं, धर्मी बन तभी आनंद प्रकट होगा। मीठे को देख ले, मीठा तूने, मीठा करना तेरा गुण नहीं है, मीठा तो प्रकृति का प्रदत्त गुण है। कोई आज तक व्यक्ति मीठा नहीं बना पाया, मीठा तो प्रकृति का गुण है, वो तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। लेकिन मिठाई सदा थी नहीं, सदा है नहीं, सदा रहेगी नहीं। तुम जब बनाओगे तभी मिठाई होगी। मीठा प्रकृति के हाथ में है और मिठाई अपने हाथ में है। सत्य से ऊपर, वही प्रसंग जो पहले दिन चला था, ध्यान रखना, मैं उससे हटा नहीं। मीठा सत्य है, मीठा ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन मिठाई सत्य से ऊपर है, शगुन है, मंगल है, सुखदाई है, आनंद है। ये बात अलग है कि मीठा के बिना मिठाई, सत्य के बिना सत्य से ऊपर कैसे उठेंगे? लेकिन मीठा हमारे हाथ में नहीं, वहां पुरुषार्थ नहीं चलना, वो नियत है। हमारे हाथ में है मिठाई, अब तुम्हें कौन सी मिठाई बनाना है ये निर्णय हमारे हाथ में है। हम अपनी जिंदगी को मीठा, यानी हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, गुण हमें प्रकट नहीं करना। गुण तो थे, हैं और सदा से। एक गुण भी हम घटा नहीं सकते, एक गुण हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हमारे हाथ में गुण नहीं है, लेकिन गुणी बनना तो हमारा। और कल्याण गुण में नहीं, गुणी में है, गुणी बनने में है। हम गुणी नहीं बन पा रहे जो हमारे हाथ में है, हम मिठाई नहीं बना पा रहे जो हमारे हाथ में, हम खटाई नहीं बना पा रहे। खट्टे का स्वाद तो सब जानते हैं, लेकिन खटाई सबके बस की बात नहीं है। क्यों रे महानुभाव पुरुष लोग, बताओ तुम खटाई खाते हो कि नहीं खाते? एक आध बार बना के तो दिखाना। बना दिया। मिठाई खाते हो कि नहीं? एक आध बार मिठाई बना के तो दिखाना। बहुत कठिन है। और आज वह घटना घटी, केवल ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञानवान थे, ज्ञान प्रकट हुआ है, ज्ञान की सर्वोच्च पर्याय प्रकट हुई है, लेकिन अरहंत भगवान भी ज्ञान चेतना नहीं है। शुद्ध को जान रहे लेकिन शुद्ध नहीं है। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी
द्रव्य संग्रह की टीका में लिखते हैं कि अरहंत भगवान भी अभी शुद्ध नहीं है, औदयिक भाव बैठा है, असिद्धत्व औदयिक भाव बैठा है, क्योंकि अभी वो भी कर्मों के अधीन है। जीवन मुक्ति तो मिल गई है, जन्म से मुक्ति तो मिल गई जन्म से, लेकिन अभी जीवन मुक्ति नहीं हुई है। जन्म से तो मुक्ति मिल गई, अब वो दोबारा जन्म, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं है। जेल से तो छूट गए, कोर्ट से तो छूट गए हैं, के कोर्ट से तो बरी हो गए हैं, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकले हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया, बहुत सरल उदाहरण। कोर्ट होता ना, कोर्ट से बरी हो गए, जमानत दी जाती है, तो इधर कोर्ट से बरी होते हैं, उधर जेल से बाहर हो जाता है क्या? दो तीन दिन लगते। कोर्ट से निर्णय होता है, फिर वारंट जेल में जाता है, जेल में तहकीकात होती है, उसमें बताते दो चार दिन खिसक जाते। लेकिन कोर्ट से निर्णय होने पर यह पक्का है कि जेल से मुक्ति होना निश्चित है, लेकिन हुई नहीं। बस यही दशा इन अरहंत भगवान की थी, इनको कोर्ट से बरी कर दिया गया कि अब ये 84 लाख योनियों में नहीं भटकेंगे, लेकिन अभी जेल से बरी नहीं हुए, अभी जेली नंबर डला है, जेली नंबर अभी भी डला है, जेली की पोशाक अभी भी है, जेली की ड्रेस अभी भी है, अभी भी उनको जेली नंबर कहा जा रहा है। 14 गुण स्थान अभी वो मनुष्य गति का नंबर है। जेली नंबर कौन से हैं? ये मनुष्य, अभी मनुष्य मारना है, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का उदय है, अभी त्रस का उदय है, पंचेंद्र आदि ये सब शरीर नाम कर्म का उदय है, पूरी ड्रेस शरीर पहने हुए है। ये ड्रेस जो है ये जेल की ड्रेस है, शरीर जो है आत्मा को क्या है, अभी वो जेल की ड्रेस उनमें है। मारगणा गुण स्थान का नंबर डला है 13वां नंबर, जेली नंबर 13। अरहंत भगवान में क्या लिखा है? जेली नंबर 13। अभी नंबर तो है, लेकिन अभी ये पक्का है हुआ कि मुक्ति होगी। आनंद तो आ गया, क्योंकि जेली को पता चल गया कि कोर्ट से मुझे बरी कर दिया गया, आनंद तो आ गया, लेकिन अभी जेल के बाहर की हवा नहीं खाई उसने। हवा तो कहाँ की मिल रही है? जेल की। यही अरहंत भगवान की दशा, निश्चित हो गया, बरी हो गए, संसार में नहीं भटकेंगे, लेकिन अभी संसारी हैं। संसार में नहीं भटकेंगे लेकिन अभी संसारी हैं। और अरहंत भगवान को उमा स्वामी महाराज ने तो गजब कर दिया, मुनि की कोटि में लाके रख दिया। अरहंत भगवान कौन है? बड़े महाराज और कुछ नहीं, उमा स्वामी महाराज। मुनियों के 5 भेद में एक भेद किया स्नातक, पुलाक बकुश कुशील निर्गंथ स्नातक, स्नातक मुनि है, मुनियों के भेद है ये 5। तो अरहंत भगवान भी मुनि है, सिद्धांत ग्रंथों में अरहंत नाम का कोई पद नहीं है, ये सब मुनि महाराज है। समोषण में भी इनको मुनियों की सभा में बैठाला जाता है, अरहंतों की कोई अलग से सभा नहीं है। समोषण लगता ना, तो जो सामान्य केवली होते हैं वे कहाँ बैठते हैं? अपनी सभा में बैठो, मैं अरहंत हूँ, हाँ आ जाओ महाराज हो, मैं अरहंत हूँ, महाराजों की बराबरी में कैसे बैठूँ मैं? प्रकृति कहती है अरहंत प्रबंध कुछ नहीं होते हैं, जब तक तुम्हें जेली नंबर डला है तब तक तुम मुनि महाराज के बराबर ही हो, और मुनिराज हो उसी में सभा में बैठो। मुनियों की सभा मिलती है अरहंत को, न इस सिरे से कोई सभा कोई व्यवस्था समोषण में नहीं है, मुनि महाराज है। चरणान योग ने भेद कर दिया, ये अरहंत का भेद कर दिया, आचार्य का भेद कर दिया, उपाध्याय का भेद कर दिया, साधु का भेद कर दिया। कर्म सिद्धांत तो कहता है ये सब साधु हैं,
और उन्होंने कहा कि अरहंत भगवान अभी कर्मों से लिप्त हैं, अभी भी वो कर्म को, पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं। पर पदार्थ को ग्रहण करना ही तो चोरी है, अरहंत भगवान भी चोरी कर रहे हैं, कर्म वर्णाओं को ग्रहण कर रहे हैं, नौ कर्म वर्णाओं को ग्रहण कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं। अदत्ता दानम स्थेयम, बिना दी हुई वस्तु लेने का नाम चोरी है। तो कर्म और नौ कर्म को केवली भगवान ग्रहण कर रहे हैं, किससे पूछकर, किसकी अनुमति से, बिना पूछे कर रहे तो चोर हैं। अदत्ता दानम स्थेयम, बिना पूछे ग्रहण कर रहे। देखो भाई, छोटे मोटे चोर नहीं है, कोई पेंसिल चुरा ले कोई, वो बड़े बड़े चोर हैं, बहुत बड़े, छोटी मोटी चोरी नहीं करते हैं। नौ कर्मणाओं का आहार, नौ कर्माहार कर रहे, कर्माहार कर रहे हैं। और कर्म और नौ कर्म दोनों पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ ग्रहण में आ रहे हैं। प्रश्न उठाया उन्होंने कि भाई ठीक है, तेरहवें भगवान तो ठीक है, लेकिन चौदहवें गुण स्थान में तो वे चोरी नहीं कर रहे, कर्म और नौ कर्म दोनों रुक गए। जैन दर्शन कहता है, हाँ चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन चोरी का माल अभी तिजोरी में रखा है। क्या गजब, गजब कर दिया पूज्यवर ने। बोले चोरी करना तो छोड़ दिया, अब कर्म और नौ कर्म तो ग्रहण, लेकिन पूर्व में जो चार अघातिया कर्म, जो पूर्व में चोरी की थी, चोरी का माल भी जहां पाया जाए वो भी चोर ही कहलाता है। चोरी तो नहीं की, लेकिन चोरी का चार घातिया कर्म, 85 प्रकृतियां ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुई। मैंने चोरी करना छोड़ दिया, चोरी तो ये माल कहां से आया, वो पहले चोरी किया था। जैन दर्शन की बस यही मस्तक ऊंचा उठ जाता है। जैन दर्शन अपने स्वरूप में जब स्थित होता है तो वो ये नहीं देखता कि अरहंत हैं कि मुनिराज हैं, जो हैं तो वह स्पष्ट कर देता है, अभी तुम शुद्ध नहीं हो, ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं होता। बस उसके लिए दो शुक्ल ध्यान किए भगवान ने। आज अंतिम शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निर्वृत्ति ध्यान करके पाण मदिकंताणम नानम विंदंती ते जीवा, आयु कर्म आदि संपूर्ण प्राणों से, देह से भी दोनों से मुक्ति हो जाती है, तब ज्ञान चेतना प्रकट हुई है। ज्ञान कब से था, सम्यक ज्ञान आदिनाथ को 10 भवों से था, 10 भवों से वो सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। केवल ज्ञान कब से हुआ, 1000 वर्ष कम, 1,00,000 पूर्व तक वो ज्ञान ही रहे, ज्ञान रहा उनको केवल ज्ञान। 1000 वर्ष कम, 1,00,000 पूर्व तक ज्ञान तो था भगवान के पास, लेकिन ज्ञान चेतना नहीं थी। आज प्रभु ने उस ज्ञान चेतना को प्राप्त किया। अनंत सुख था, लेकिन अव्यावाद सुख नहीं था। अनंत सुख होना अलग चीज है, अरहंतों को अनंत सुख हो सकता है, लेकिन अव्यावाद सुख, अव्यावाद सुख आज हुआ है, आज भगवान को मोक्ष हुआ है। आदिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं, बोलो भाई, आदिनाथ भगवान का हमें थोड़ा याद नहीं आ रहा है, स्मृति कम है, इधर वाले बताएं, आदिनाथ को मोक्ष कहाँ से हुआ है। हाँ पीछे से आ रहा है, कैलाश पर्वत पे, हाँ पिए बैठे हैं, रटे रटाए बैठे हैं, बोल दो कैलाश पर्वत से। नहीं, आदिनाथ भगवान को आज ही मोक्ष हुआ है, माघ बधी 14 नहीं, माघ बधी चतुर्दशी को मोक्ष हुआ है। ये तोता रटन तो एक किताबों की रटी रटाई बातें हैं, तुमने कब देखा है, माघ सुधी 14 को भगवान को मोक्ष हुआ था, बदी बदी ना, माघ बदी 14 को हुआ था। ये कानों सुनी है,
ये सुना है, हमने भी सुना था, हमने थोड़ा, तुमने सुना था, हमने थोड़ा पढ़ा था, सुनी सुनाई बातें हैं। आज सुनी सुनाई बातों को क्यों अनुभव में करें? सुनी सुनाई बात करोगे तो ज्ञान मिलेगा, और आंखों देखी बात करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, अनुभव आ जाएगा। एक दिन, आज के दिन अनुभव करना है, मेरे सामने आज ही फाल्गुन कृष्णा, फाल्गुन शुक्ला तृतीया को मेरी आंखों के सामने, मेरी साक्षी में भगवान ऋषभ देव को मोक्ष हुआ है। हाँ, तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। तुमने यहां देखा, हमने मंदिर में देखा है। क्रियाएं करने गए थे ना, तो वहां हमने देखा, तो हमने तो बिल्कुल साक्षात देखा है। मैं तो भूल जाता हूं कि वो माघ बदी 14 को मोक्ष हुआ था। मैंने तो भाग्य समझा, आज ही मोक्ष हुआ है। और उन भगवानों को जो मोक्ष हुआ था माघ सुदी 14 को कैलाश पर्वत से, उनके अग्नि कुंड की राख मुझे मिली कि नहीं मिली मुझे पता नहीं, लेकिन आज जिन भगवान को मोक्ष हुआ है उनके नक केशव की राख मैंने माथे से लगाई है। बोलो, उन नक केशव की राख जो हमें मिली नहीं, हमें याद नहीं, उससे हमारा कल्याण है कि जो आज माथे पर लगाई है इससे मेरा कल्याण है? कल्याण किससे है? पावनता किससे आएगी, उससे या इससे? अतिशय किससे होगा, उससे या इससे? इससे होगा। हमारे कर्मों का निर्जरा, पुण्य का बंद उस राख से होगा जो कैलाश पर्वत पर हुई थी, या इस राख से होगा जो हमारे सामने कुंड में से निकाल के अग्नि कुमार ने दी है। लगाते ही पुण्य का भंडार भर गया, लगाते ही पापों का क्षय हो गया। तो ऐसी एक अनुभूति अपने जीवन में जो इस बार 5 दिन के पंचकर्णा के प्रश्नों में मैंने सब कुछ आगम की बात नहीं कही, आगम से ऊपर की बात कही। आज मैंने सत्य की बात नहीं कही, सत्य से ऊपर की बात कही। आज जिनवाणी में लिखी हुई बात को नहीं कहा, मैंने आंखों देखा है वो बात को कहा है। और यह अनुभूति का विषय है। आज भगवान को मोक्ष हुआ कैलाश पर्वत से, वो मीठा था। और आज जो तुम्हारे सामने भगवान को मोक्ष हुआ, ये मिठाई थी, ये सगुन था, ये शुभ था, ये तुमने बनाया है। वो बने थे, ये बनाए गए, ये बनाए गए, ये बनाए गए। कितने प्रयास से बने? बहुत, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए तब मंदिर बना पाए, कितने साल हो गए जब मूर्ति ला पाए, और 5 दिन की अथक मेहनत, पूरे टीकमगढ़ के बच्चे बच्चे का पसीना है, तब कहीं ये पंचकल्याणक मिला है। हमने पंचकल्याणक का नाटक नहीं किया है, हमने साक्षात पंचकल्याणक किया है। ऐसी एक अनुभूति, समय आपका हो रहा है, फेरी भी है आपकी, आज अभी हवन भी है आपका, फिर एक आध दिन अभी कायद, कल कलशारोहण अभिषेक है। मैं मंदिर बनाता हूँ, ध्यान रखना, मंदिर बन गया, ये मीठा बन गया, अब मंदिर में मिठाई बनेगी वो मुझे सिखाना पड़ेगा। मंदिर बन गया, बन गया, भगवान भी आ गए, पक्का भगवान 100%। तुम लोग जब 6 दिन पहले आए थे, वहां मूर्ति छोड़ के गए थे, आए थे,
और यहाँ के कल तुम जाओगे तो वहाँ मूर्ति नहीं भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। गारंटेड भगवान है, कंपनी का माल है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आज पहले गया था कि दिखाऊं भगवान आए कि नहीं, बाद में तुम्हें दिखाऊंगा। आ गए पक्का, बैठा के आया मान के, भगवान भागना भागना नहीं। हाँ, तुम मेरे भगवान हो, मेरी अनुमति के बिना नहीं भाग सकते। वो आदिनाथ तो हमारे हाथ में नहीं थे कि तुम तो भाग गए। ये भगवान भाग के दिखाए तो जानो इनको तो मैंने बनाया है। बंधु भगवान बन गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब हमें भगवान नहीं भक्त बनाना है। भगवान को लिए हमने नहीं बुलाया है, हमने भक्ति के लिए बुलाया है। भगवान को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि बेचारे भगवान को कहीं स्थान नहीं मिला है, देखो भगवान आ जाओ, नंदी सरकार में एक प्लाट पड़ा है। भक्ति के लिए भगवान बुलाया जाता है। भगवान तो 6 दिन में बन गया, भक्त तुम जिंदगी भर में बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए महान। भगवान बनने में तो मात पैसा खर्च करना था, भगवान बनाने के लिए तो मात महाराज को बुलाना था। 5-6 दिन में भगवान बन गए, लेकिन भक्त बनने के लिए जिंदगी भर में यदि तुम भक्त बन जाओ और 1 दिन को भी भक्त बन जाओ तो भगवान बनाने से कल्याण नहीं है, भगवान का भक्त बनने से कल्याण है। भगवान बनने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, भक्त बनने से कर्मों का क्षय होगा। भगवान बनाने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, भक्त बनने से कर्मों का क्षय होगा। भगवान बनाने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, भगवान के भक्त करने से सम्यक दर्शन होगा। पापों का क्षय भगवान बनाने से नहीं, भक्ति करने से होगा। भगवान बनाने से तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं होंगी। तुम सबों के भगवान बन गए, हमारे नगर में कभी कोरोना नहीं आएगा, हमारे नगर में कोई बीमारी नहीं आएगी। भूल में मत रहना महानुभाव, डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होती, दवाई से होती है मूर्खो। भगवान से बीमारी दूर नहीं होती है, भगवान के अभिषेक से दूर होती है महानुभाव। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर आया है, PMT किया हुआ सब है, डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होना, बीमारी दूर तो दवाई से। भगवान आ गया, बहुत अच्छा भगवान आया, बहुत बढ़िया भगवान आया, 100% का भगवान आया, निर्दोष भगवान आया, सर्वशक्तिमान भगवान आया। इस भगवान से कल्याण होने वाला नहीं, भगवान के अभिषेक से कल्याण होगा। भगवान से कल्याण होने वाला नहीं, भक्तांबर से कल्याण होगा। भगवान से कल्याण होने वाला नहीं, भक्ति से कल्याण होगा। 6 दिन में गजब हो गया, भगवान बनाने के लिए इतनी भीड़। कह रहे हैं लोग कि महाराज गजब हो गया, कोई मेरे लिए श्रेय दे रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज सब आपकी महिमा मंडल है, आपका आभा मंडल है सब। महानुभाव, जो आज भगवान बनाने की भीड़ लगी है, महानुभाव एक बात मेरी मान जाओ, यही भीड़ भक्तों की लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आज भक्तों, आज भगवान बनाने के लिए पूरा पंडाल भरा है, कल भक्त बनने के लिए मंदिर भर जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आज भगवान बनाने के लिए पूरा पंडाल भरा है, ऐसा मंदिर यदि भक्तों से भर जाए तो, भक्तों से मंदिर भर जाए, भक्तों से मंदिर भरोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और भगवान बनने से पंडाल भरोगे तो भगवान का कल्याण होगा। उनका हो गया, चले गए मोक्ष, आ गए, हो गया कल्याण, पधारो अब आप लोग, उनका कल्याण हो गया। भगवान बनाने आए थे, वो भगवान बन गए।
बोलो बनेगा नहीं? अब तुम्हारी बारी है कल से, अब तुम्हारी बारी है कल से कि भक्त कैसे बनते हैं, भगवान कैसे बनते हैं, ये तुमने देख लिया हो टीकमगढ़ वालों। अभी एक क्लास पास हुई है, एक पेपर पास हुआ है, अब श्रीफल चढ़ाओ भगवान महाराज। भगवान कैसे बनते हैं ये दिखा दिया, अब भक्त कैसे बनते हैं ये और बताओ। ये पूछ लो, यदि ये नहीं पूछा तो बेटा ध्यान रखना तुम वो दुर्भाग्य हो, भोजन तो बनाया लेकिन खा नहीं पाए, भोजन तो बनाया लेकिन खा नहीं पाए, भगवान तो पाया लेकिन प्रसाद नहीं पा पाए, गुरु तो पाया लेकिन गुरु का आशीर्वाद नहीं पा पाया। बोलो आशीर्वाद भगवान को दूं या भक्तों को? लो तुमने मुझे पा लिया जैसे तैसे बटरंगबाजी करके। हाँ, दस दस बार राजस्थान गए, इतना गए नंदेश्वर कॉलोनी वाले से परेशान हो गया था, जब देखो महीना 15 दिन हुआ एक खड़े। चलो तुमने महाराज को पा लिया, बोलो चमत्कार महाराज में है या महाराज के आशीर्वाद में? जोर से बोलो। तो तुमने महाराज को पाया, अभी आशीर्वाद। यहाँ दो व्यक्ति बैठे हैं, एक भगवान बना है वो बैठा है और एक आप लोग बैठे हैं, और मेरी ताकत मेरे में नहीं मेरे आशीर्वाद में है। अब बोलो ये आशीर्वाद किसको दूँ, भगवान को दे दूँ? अरे मेरी हिम्मत है, मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को आशीर्वाद दे दूँ। अरे राम 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 राम, भगवान को मैं आशीर्वाद दूँ, मेरी क्या औकात है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। और चमत्कार किसमें है बोलो, मेरा चमत्कार किसमें है? और भगवान को आशीर्वाद दे नहीं सकता तो आशीर्वाद किसको मिल रहा है? वो तो अभी मिला ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं, वो तो भक्त को मिलता है। अभी तक तुम भक्त नहीं थे, भगवान बनाने वाले तुम लोग थे। स्वधर्म था, कोई कुबेर था, कोई इंद्र था, सब था, अभी भक्त नहीं थे तुम। कोई स्वधर्म था और कोई भगवान का बाप था? अरे मैं क्या करूं, कोई भगवान था, कोई भगवान का बाप था, कोई कुबेर था, कोई इंद्र था, कोई यज्ञ नायक था, कोई महायज्ञ नायक था, मुझे भक्त कोई दिख ही नहीं रहा था। अब भक्त बन जाओ कल से। और तुमने इतने मुश्किल से महाराज को पाया है तो मेरी भावना है आशीर्वाद भी ले लो। आशीर्वाद भी ले लो, और आशीर्वाद मैं भक्त को देता हूं। और मेरा भक्त कौन है, मेरा भक्त कौन है, मेरा भक्त कौन है? जो मेरे जिनेंद्र देव का भक्त है वही मेरा भक्त है, क्योंकि क्योंकि वो मेरे बाप हैं, मैं उनका बेटा हूं, उनकी बसियत सो मेरी बसियत, जिनगुण संपत्ति हो। इसलिए मेरे मेरे अलग से भक्त बनने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप के भक्त बनने जो मेरे भगवान का भक्त बनेगा वही मेरा भक्त होगा, और उसे ही मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं अपनी तरफ से, भगवान तो देने वाले हैं नहीं, उनकी तरफ से लेना हो तो मेरे से ले लेना, उन्होंने मेरे पास रख दिया है एडवांस। उन्होंने कहा कि मैं तो आशीर्वाद दूंगा नहीं, तुझे देना हो तो मैंने तुम्हारी तरफ से भी दूंगा, बोले दे देना, लेकिन ध्यान रखना भक्त को देना। कल तो शायद कुछ कार्यक्रम है, परसों नंदीश्वर कॉलोनी वालों को तो मैं कह सकता हूं कि अब ये नया मंदिर बनाया है भगवान का, नया मंदिर बनाया है भगवान के लिए, त्रिकाल चौबीसी बनाई भगवान के लिए, और मेरे निर्देशानुसार बनाया। इस मंदिर की एक एक ईंट मेरे अनुसार लगी है, इसका सब कुछ कागज पर लाइने खींची हैं तो मेरी इच्छा से खींची हैं, यहाँ ईंट लगी है तो मेरी इच्छा से लगी है,
जितनी मूर्ति आई हैं मैंने पसंद किया है और मैंने ही नंदीश्वर कॉलोनी से इन भगवान की कुंडली मिलाई है। हाँ, मैंने मिलाई। कौन से भगवान बैठना चाहिए ये मैंने ही निकाला था कि नहीं। नंदीश्वर कॉलोनी में कौन से भगवान मूल लायक होंगे ये मैंने ही कुंडली मिलाई थी, यानी नंदीश्वर कॉलोनी का बामन भी मैं ही हूँ। और पूरा मंदिर निर्दोष बना है। अब मेरी भावना है जब मंदिर मेरे अनुसार, भगवान मेरे अनुसार, तो भक्तों को भी भक्ति सिखाऊं कि तुम मेरे अनुसार भक्ति करोगे तो जो चमत्कार तुमने भगवान बनने का देखा है अब भक्त बनने का चमत्कार तुम खुद देख लेना। मेरी अनुसार तुमने भगवान बनाए उसका चमत्कार देख लिया टीकमगढ़ वालों। हर व्यक्ति यही कह रहा है आज तक ऐसा। पंडित जी आप बताओ ना, नरेंद्र प्रकाश जी हमारे बहुत विश्वसनीय और बहुत अच्छे पंडित जी, मैं इनको मान दूँ। परसों भी मैंने इनकी बात कही थी, टीकमगढ़ वाले माने या नहीं माने, मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे पंडित मिले हैं तो इनसे ज्ञान ले लो। ये जाने के पहले इनको लूट लो, जितना भरा है सब ले लो फिर इनको। लेकिन मुझे विश्वास है ज्ञान कितनी खाली करना कभी खाली होता नहीं। इसलिए अब कल नहीं तो परसों एक या दो दिन में हम तुम्हें भगवान की भक्ति कैसे होती है सोचूंगा। पहले आप लोग भरम भरो कि भगवान बना के ही फ्री होना है या भक्त भी बनना है। देखो कितने लोग बनना चाहते भक्त, हाथ उठाएं। विचार करूंगा, सोचूंगा और सिखाऊंगा कैसे नहीं चमत्कार होता। कौन कहता है चमत्कार पंचम काल में नहीं। मैंने देखा है कि गंधोदक की एक एक बूंद आज भी वही है जो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करने वाला गंधोदक शास्त्रों में लिखा है। वह गंधोदक हमारे पास हाथ में आता है। आज भी वही है जो कल था, आज भी चमत्कार वही है। बस हम विधि भूल गए और विधि भूलने का हस्त तो यही होता है कि 7 महीने 8 दिन भगवान को भी भटकना पड़ता है। तुम तो किस खेत की मूली हो। 7 महीने आहार की कमी नहीं थी ऋषभदेव को, कमी किसकी थी? विधि की कमी थी। आहार तो सब दे रहे थे, लोग कह रहे भगवान लीजिए लीजिए, क्या नहीं दे रहे थे? विधि। इसी प्रकार भक्ति तो तुम बहुत करते हो लेकिन विधि क्या है ये नहीं करते हो। एक बार विधि के अनुसार भक्ति करके देखना, फिर भक्तों का चमत्कार देखना। और मेरा विश्वास भगवान के चमत्कारों पर नहीं है, मेरा विश्वास तो भक्तों के चमत्कारों पर है। भगवान के चमत्कार के भरोसे मैं कभी नहीं बैठता हूँ। मैं तो भक्ति का और भक्तों के चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। और उसके लिए आप लोगों समय बहुत हो गया, फिर भी अपन इतने कह कर के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की आज का प्रवचन मोक्ष कल्याणक का कुछ खोपड़ी में आया कि नहीं आया? महावीर भगवान की